नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिर से कि हम अपना बैग कैसे चेंज कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमें बैग चेंज करने के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए बैग चेंज करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए अपना बैग अच्छे से चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, एक इस तरीके से आप मग रख सकते हो जिसके अंदर थोड़ा सा पानी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब इस पानी में हम नॉर्मली इस तरीके का बेटाडीन जो सॉल्यूशन है 5% 10% जितना भी आप यूज कर सकते हो ले सकते हो, और फिर आप थोड़ा सा इस तरीके से इस वाटर के अंदर डाल दीजिए ताकि ये वाटर हमें जब हम यूज करें आगे तो ये थोड़ा सा एक तरीके से मेडिसिन जैसा हो जाए जिससे हमारा कुछ घाव वगैरह हो तो वो भी हील हो जाए। तो ये हमें जरूरत पड़ेगा। दूसरा हमें जरूरत पड़ेगा ये इस तरीके से रेजर, जो हम क्योंकि हमारे पास स्किन के आजू बाजू में बाल आते हैं तो वो जरूरत पड़ेगा। ये स्टोमा पाउडर हमें जरूरत पड़ेगी और ये कोलोस्टो केयर करके है कंपनी, उसका भी स्टोमा केयर आप यूज कर सकते हो। मैंने हॉलिस्टर का भी है मेरे पास में। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये बैग, जी हाँ दोस्तों, ये हम बैग यूज कर सकते हैं। और अडेप्ट पेस्ट, जी हाँ दोस्तों, अगर लीकेज वगैरह बहुत सारा अगर आप लोग को होता है तो इस तरीके से आप अडेप्ट पेस्ट यूज कर सकते हो। ये दोस्तों देख सकते हो इस तरीके की होती है अडेप्ट पेस्ट। और आपके पास बैरियर क्रीम या क्लोरोप्लास्ट का बैरियर क्रीम वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके का वेटनोवेट सी क्रीम वगैरह भी यूज कर सकते हो अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम है तो, वरना आप अपना क्लोरोप्लास्ट का या तो बैरियर क्रीम कोई भी कंपनी का आप रख सकते हो या इस तरीके से वाइप रख सकते हो। ये वेलेंट करके एक अपना इंग्लैंड का कंपनी है उसका वाइप है, पर आप दूसरे कंपनी का वाइप भी रख सकते हो, प्रोटेक्टिव वाइप वो भी यूज कर सकते हो। अपना एडहेसिव रिमूवर वाइप है जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे स्किन पे जो चिपकन होती है बैग हटाने के बाद में वो हम यूज कर सकते हैं उसको हटाने के लिए। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरीके से ग्लव्स पहन लेते ताकि हमारा थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन रहे। आप ग्लव्स नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, पर मैं ज्यादातर पहन लेता हूँ। और ये वॉशेबल ग्लव्स है, आपको वापिस से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका बैग आप निकालते वक्त अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप इस तरीके की स्प्रे यूज कर सकते हो। आप मार्केट में जो क्लोरोप्लास्ट की ब्रावा स्प्रे भी आती है और ये कोलोस्टो केयर की एडहेसिव रिमूवर स्प्रे है, और आप वाइप भी यूज कर सकते हो। अब मेरे को कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है इसलिए मैं बहुत आसानी से इसको, दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बैग रिमूव कर दिया है। और अब बैग रिमूव करने के बाद में आप देख सकते हो कि जो बैग की चिपकन होती है वो हमारे बैग पे लगी हुई है, हमारे स्किन पे लगी हुई है। तो इसको हम पहले ऑब्वियसली थोड़ा सा इस तरीके के छोटे छोटे कॉटन रोल से हम इसको साफ कर लेंगे। यही पानी जो हम बेटाडीन का इसमें डाले थे हम उसमें इससे साफ कर लेंगे। इस तरीके से आप जेंटली धीरे धीरे साफ कर सकते हैं। ध्यान दें कि ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टोमा के आसपास की स्किन थोड़ी सी डेलिकेट होती है तो इसीलिए ज्यादा रगड़े ना। और देख सकते हो ये जो सफेद सफेद करके निकल रहा है दोस्तों, ये एक तरीके से एडहेसिवनेस होता है जो हमारा बैक का हमारे स्किन पे लग जाता है और ये थोड़ा सा जल्दी से निकलता नहीं है, इसीलिए हमें बेसिकली इस तरीके से जो मार्केट में अच्छे एडहेसिव रिमूवर स्प्रे आते हैं या तो एडहेसिव रिमूवर वाइप आते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके के दोस्तों वाइप आते हैं, उसके अंदर टिश्यू पेपर जैसा आता है उसको हम यूज कर सकते हैं और उससे ये जो सफेद जो जितनी भी चिपकन है वो सारी निकल जाएगी। मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा कि मैं
ये मेरे पास स्प्रे है, इसको मैं यूज करूंगा। आप दूसरे ब्रांड के स्प्रे भी यूज कर सकते हो, वाइप भी यूज कर सकते हो। मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से पैकेट वाले वाइप यूज करें, क्योंकि इसमें जो वाइप होता है उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। स्प्रे में दोस्तों होगा क्या है कि आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होगी, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कितना स्प्रे बचा हुआ है। पर क्योंकि इस वक्त मेरे पास वाइप थोड़े खत्म हो गए तो मैं स्प्रे यूज कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो, आप अपने स्क्रीन पे इस तरीके से छिड़क दे और फिर क्या करें, इसको साफ कर ले और इसकी मदद से वो सब सारा निकल जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से आप साफ कर सकते हो, एक टिश्यू पेपर से भी साफ कर सकते हो आप, या इस तरीके की कॉटन जो रोल होते हैं मैंने बनाए हैं उससे भी आप साफ कर सकते हो। तो ये दोस्तों बैग आप ज्यादा दिन लगा के रखते हो या तो बहुत दिन तक, आपको ऐसा लगता है कि 6-7 दिन तक हम लगा के रख रहे हैं, उसके बाद में दोस्तों उसका एडहेसिवनेस हमारे स्किन पे ज्यादा चिपक जाता है। इसीलिए रेकमेंडेड यही होता है कि हम ज्यादा दिन तक बैग ना लगाए ताकि हमारे स्किन पे ये चिपकन बहुत आसानी से निकल जाए। यस, इस तरीके से आप अपनी चिपकन को पूरा निकाल सकते हैं, एडहेसिवनेस को पूरा निकाल सकते हैं अपने स्किन पे। मैं आपको हर चीज डिटेल में करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए, आप तसल्ली से कर सकते हो। आप चाहो तो अपने कमरा बंद करके आप आराम से करिए और कोशिश करिए दोस्तों कि आपको खुद को ही सीख जाए, क्योंकि बहुत दिन तक आप ज्यादातर लोगों की हेल्प नहीं ले पाओगे और एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको खुद को ही सब चीजें करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि हर चीजें आप खुद ही करें। इस तरीके के पॉलिथीन बैग में आप अपना बैग भी फेंक सकते हो और अपने पास में रखिए, और हर बार जब भी आपको ये कॉटन जो हम यूज कर रहे हैं बार बार पानी से साफ करने के लिए, आप उसको इस पॉलिथीन में आप फेंक सकते हो। तो देख सकते हो मैं इस तरीके से साफ कर रहा हूँ। अब दोस्तों जब साफ हमने हमारी स्किन को अच्छे से कर लिया है, एडहेसिवनेस भी पूरा निकाल लिया है, स्किन से पूरा निकल गया है, उसके बाद में अब टाइम है कि हम अपने जो स्किन के बाल है वो निकालें। जी हाँ दोस्तों, और बाल कैसे निकालना है, जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से एक छोटा रेजर ले सकते हो आप, प्लास्टिक का ले सकते हो आप, मेटल का ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, थोड़ा सा संभाल के, और इसके जो आसपास में हमारे बाल आ जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मेल बॉडी है तो मेल बॉडी में बाल ज्यादा आ जाते हैं। फीमेल्स को शायद से ये तकलीफ नहीं होगी इतनी ज्यादा, पर मेल्स को मोस्टली बाल्स आ ही जाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए हर बार आप शेव कर ले, क्योंकि नहीं तो आपको क्या होगा, जब भी आप बैग निकालोगे उस वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपके बाल टूट सकते हैं वो एडहेसिव की वजह से। तो आप कोशिश करें कि आप अपना बाल रेजर से निकाल ले। और दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस ही, आपका शरीर है, आपको हर चीज़ आपके सामने कुछ हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि क्या चीज़ें दर्द हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कोई ये सब चीज़ों से दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। बहुत सारे स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, क्या होएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और ये समझ लो कि अब देखो लाइफ में दूसरा चांस मिला है हमें, तो एक जो नेचुरल चीज़ होती है ऊपर वाले की, वो तो देखो कुछ चीज़ तो उसमें फेरबदल हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते या तो हम इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों। बैग आप आराम से चेंज कर सकते हो अपने आप, और इस तरीके से आप मैं बता रहा हूँ वैसे चेंज कर सकते हो, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। शुरुआत में अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि आप खुद ही करें, क्योंकि खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा,
आप मान लो कहीं पे अटक गए हो, कहीं भी कहीं मेहमान या कहीं पे जा रहे हो रिलेटिव के घर पे, वहां पे कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए जहां पे एक्सीडेंटली बैग लीकेज हो जाए, तो वहां पे अगर आपको चेंज करना पड़े तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। यस, तो इसीलिए हैबिट रखिए कि खुद ही बैग चेंज करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कभी भी बैग चेंज करने के लिए किसी की भी हेल्प नहीं ली। यस, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर ने जब हमारा बैग लगाया था, वो फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल में था उस वक्त डॉक्टर ने नर्स ने ये मेरा बैग चेंज किया था। उसके बाद मैंने घर पे आकर भी कभी भी किसी की भी हेल्प नहीं ली। यस, मैं क्या करता था नॉर्मली, जैसे इस वक्त मैं कमरे में आराम से बंद करके सब चीज़ें कर रहा हूँ और आज भी वैसे ही करता हूँ, और उस वक्त भी मैंने ऐसे ही किया कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करो, मैं अपना बैग चेंज कर रहा हूँ और कोई भी कुछ भी इस वक्त आ जाए प्लीज़ आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना, तो आप तसल्ली से आप अपना बैग चेंज कर सकते हो। यस, और दोस्तों ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप मटेरियल वगैरह थोड़ा सा सही यूज़ करें, क्योंकि आप कुछ चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो, मान लो कि यार ये सब क्रीमें यूज़ नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और स्किन प्रॉब्लम की वजह से आपके स्किन में आजू बाजू में इचेस वगैरह हो सकती है, मतलब जलन हो सकती है, स्किन में घाव आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ये एडहेसिव रिमूवर दोस्तों ये हॉलिस्टर का है, मार्केट में बहुत सारे एडहेसिव रिमूवर आते हैं, आप अमेजोन पे देख सकते हो। मैं सारे प्रोडक्ट्स का जो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। इस वक्त मैं सिर्फ आपको हॉलिस्टर का दिखा रहा हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, क्योंकि स्किन के ऊपर जो चिपकन होती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है बैग निकालने के बाद में, नहीं तो क्या होता है स्किन धीरे धीरे काली पड़ जाती है। दोस्तों देख सकते हो ये शुरुआत में आजू बाजू में आप देख सकते हो, मुझे इतना आइडिया नहीं था एडहेसिव रिमूवर का, तो इस वजह से मेरी स्किन यहाँ पे वो जो टेप लगाता हूँ मैं माइक्रोपोर टेप, उसके उसके निशान पड़ चुके हैं, इस तरीके के जो वाइट टेप होती है दोस्तों उसके, जब ये ब्लैक ब्लैक स्किन पे आ चुका है, पर अभी काफ़ी स्किन हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है मेरे स्किन पे। तो इसीलिए आप एडहेसिव रिमूवर स्प्रे यूज़ कर सकते हो या तो आप ये पैकेट यूज़ कर सकते हो। यस, अब दोस्तों हमें स्किन थोड़ा सा है ना, अब ये टाइम आ चुका है कि आप स्किन को थोड़ा सा ओपन रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि एक हफ्ते में आप मोस्टली बैग चेंज करते हो या तो ये समझ लो कि 4-5 दिन बाद में, तो स्किन जितना भी ओपन रहेगा उतना अच्छी बात है। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको हर चीज़ें जल्दी जल्दी करके बताऊँगा, पर आप तसल्ली से इसको आराम से कर सकते हो। और इस वक्त मुझे थोड़ा सा ये बैग मुझे कुछ क्रीम लगाना है, तो मेरे को ये ग्लव्स निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब दोस्तों आप बैरियर क्रीम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अब मेरी बैरियर क्रीम है कोलोप्लास्ट की, वो ख़त्म हो चुकी है, और मेरे पास दोस्तों ये बैरियर वाइप भी है, इस तरीके के वाइप आते हैं मार्केट में, ये कंपनी का शायद से आपको ना मिले क्योंकि ये इंग्लैंड की कंपनी है, वो यहाँ पे नई सर्विस देती है, पर आप इस तरीके से क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हो, वेटनोवेट सी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, और जो प्रॉपर कोलोप्लास्ट का ब्रांड आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं मानता हूँ दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हमें कंपनी वाले ऐसा लगता है कि बेमतलब के यूज़ करने के लिए बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ अल्टरनेट प्रोडक्ट्स बताता रहता हूँ कि यार अगर आपके पास बैरियर क्रीम वगैरह नहीं है तो एटलीस्ट आप वेटनोवेट सी क्रीम वगैरह यूज़ कर लो, वो भी थोड़ी ठीक ही रहती है। तो मेरी स्किन देख सकते हो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही हेल्दी स्किन है, इसीलिए मैं फिलहाल थोड़ी सी वेटनोवेट सी क्रीम यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद में वाइप यूज़ करूँगा मैं। और मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में क्रस्टिंग टेक्निक के बारे में बताऊँगा। क्रस्टिंग टेक्निक क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि हमारी स्किन स्टोमा के आसपास में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, उसके लिए दोस्तों आपको इस तरीके के वाइप चाहिए, जो प्रोटेक्टिव स्किन वाइप होते हैं ना, वो आपको जो भी है ब्रांड है ना मैं आपको इस पे दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वो ले सकते हो, और उसकी मदद से आप अपना क्रस्टिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। क्रस्टिंग टेक्निक के लिए आपको स्टोमा पाउडर चाहिए, आप कोलोस्टर केयर कंपनी का भी स्टोमा
पाउडर यूज कर सकते हो, हॉलिस्टर का भी यूज कर सकते हो, क्लोरोप्लास्ट का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे, जो भी आपको सही लगे वो यूज कर सकते हो। तो अभी तो मैं फिलहाल क्रीम लगा रहा हूँ, यस। और बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि स्टोमा स्किन के आसपास में यहाँ पे कुछ कुछ लाल दाने हो जाते हैं, एक तरीके से पिंपल हो जाते हैं, और जिसको भी स्टोमा बैग लगा हुआ है उसके लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा जब उसको यहाँ पे दाने हो जाएंगे। मुझे भी हुए थे पर मैंने ठीक कर लिए। और मैंने ठीक कैसे किए दोस्तों, मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया था। अभी प्रोडक्ट दोस्तों है तो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट करके एक प्रोडक्ट आता है अमेजोन पे, नीला पत्थर भी इसको बोलते हैं, उसका मैंने छोटा सा डली यूज किया और उसको ठीक से जहाँ पे अपना लाल लाल जो पिंपल जैसे हो जाती है ना वो, उसको मैंने उस पर रगड़ा और धीरे 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 छः सात बार हफ्ते में, मतलब ये जितनी बार बैग चेंज किया उतनी बार किया, और आफ्टर लाइक 4 to 5 weeks में वो एकदम है ना दब गया था, काला हो गया था, और फिर बाद में एक तरीके से सब बैठ गया। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि आपके वो जला देता है बेसिकली। तो थोड़ा सा आप ध्यान से उसको यूज़ करें, ग्लव्स पहन के यूज़ करें, और जहाँ पे सिर्फ वो लाल दाना है उसी पे ही रगड़े, यस। बाकी दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। मान लो आप समझ लो ऑब्वियसली आपको कोलोस्टमी बैग लगा है इसीलिए आपको कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है, पर दोस्तों लाइफ में अगर आपको कोलोस्टमी बैग नहीं भी लगा होता तो दोस्तों दिक्कतें कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं आती, आप देख सकते हो जो लोग नॉर्मल होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। और मैं 19 साल का था जब मुझे ऑस्टमी बैग लगा, अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 19 साल का था जब मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई, तो दोस्तों दिक्कतें चलती रहती है, कोई दिक्कत मतलब कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा जब आपको सब चीज़ें आप एकदम बोलते ना एकदम शांत दिमाग हो चुका है, वैसे कभी नहीं होगा। वैसे तभी होगा जब आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर वाले के भरोसे पे ज़िंदगी बिता रहे हो, तभी ये सब चीज़ें होगा जो मैं आज की डेट में कहीं ना कहीं करता हूँ। और इतना सब चीज़ होने के बावजूद भी एक तरीके से लाइफ थोड़ी स्थिर है, स्टेबल है, वो इसीलिए क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के रखी है, यस। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि हम ये जो वेटनोवाइट सी मैंने क्रीम लगाई थी इसको साफ कर लूँ, यस। अब आप ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा और समय दे सकते हो, पर मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको फटाफट आपको करूँ, डेमो दूँ, और इसको आप आराम से कर सकते हो, 10-15 मिनट लगा के इसको रख सकते हो, और उसके बाद में आप कोशिश करो आप ये कॉटन से आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो इसके बाद में बेसिकली प्रोसेस होता है कि हम पाउडर लगाए बेसिकली, यस। तो पर मैं मेरे पास एक और चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है ये बैरियर वाइप, ये जी हाँ दोस्तों बैरियर वाइप है। और जिसको भी दोस्तों स्किन में आजू बाजू में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, यस, जिसको भी आजू बाजू में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है उसको क्रस्टिंग टेक्निक करनी चाहिए। क्रस्टिंग टेक्निक क्या है दोस्तों, आप क्या करोगे, ये इस तरीके से कोई भी स्टोमा पाउडर है उसको आप लगाओगे, यस, आप लगाओगे इस तरीके से, आप लगाओ और उसको क्या करो अच्छे से स्किन इस पे इसको फैला लो, यस, इसको फैला लो, और जहां पे भी आपको स्किन प्रॉब्लम है ना वहां पे आप क्या करोगे, इस तरीके से जो वाइप मैंने लिया ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये वाइप से ही क्रस्टिंग टेक्निक की जाएगी। तो वाइप जो होता है प्रोटेक्टिव, जो स्किन प्रोटेक्टिव वाइप होता है उसमें कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इस टिश्यू पेपर में कुछ तो लिक्विड जैसा होता है, वो हमें क्या करना है बेसिकली, जो हमारी स्किन स्किन बेसिकली जहाँ पे थोड़े से खराब हो चुके हैं, रैशेस हो चुके हैं, उस पे ना ये वाइप लगानी है, टच करनी है सिर्फ। तो दोस्तों वो होगा क्या है कि वो पाउडर उधर ही बैठ जाएगा, यस। और जब आप अब 10-15 मिनट बाद में क्या करोगे, एक्स्ट्रा पाउडर को निकालोगे तो ये जो पाउडर है
ये आपके स्किन पे रह जाएगा, इसको नहीं निकालना है। यस, इसको नहीं निकालना है। और क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर ही बैग लगा देना है, इसके ऊपर ही बैग लगा देना है, ताकि क्या है कि जो भी हमने मेडिकल जो पाउडर लगाया है, ये पाउडर लगाया है ऑस्टमी पाउडर, ये आपके स्किन पे बैठ जाए और ये प्रोटेक्टिव जो वाइप होती है इसकी जो सॉल्यूशन है वो भी साथ में एक साथ रह जाए, और इसके ऊपर हम बैग लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी और उसके बाद में हम अपना बैग चिपका सकते हैं। यस यस, इस तरीके से वाइप होती है, उससे आप स्किन भी बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बैरियर क्रीम नहीं है और आपके पास वेटनोवाइट सी क्रीम नहीं है, तो आप इस तरीके से वाइप में जो बताए आप मार्केट में मिलते हैं उससे भी आप स्किन साफ कर सकते हैं। यस, पर एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, आप हमेशा एडहेसिव रिमूवर अच्छे से यूज करें। एडहेसिव रिमूवर या तो स्प्रे यूज करें या तो ये पैकेट वाले यूज करें। मैं ज्यादातर पैकेट वाले रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पैकेट वाले हमें पता होता है कि कितनी क्वांटिटी हमने यूज की, स्प्रे में पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी हमने यूज की, इसीलिए पैकेट वाले थोड़ा मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ और वो आपको मिल जाएंगे। अमेजोन पे बहुत सारे ब्रांड है, बायो करके, बायो हेल्थ करके ब्रांड है, फिर नेफ्यू स्मिथ करके है, फिर बाद में आपको हॉलिस्टर के ये मिल जाएंगे, एडहेसिव रिमूवर स्प्रे मिल जाएंगे, कोलोप्लास्ट का ब्रावा स्प्रे, तो वो सारे स्प्रे एडहेसिव रिमूवर हम यूज कर सकते हैं। हॉलिस्टर का स्प्रे भी मिल जाएगा एडहेसिव रिमूवर के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो अभी हमने क्रस्टिंग टेक्निक की, इसकी मदद से क्या होगा कि ये पाउडर है ना इधर ही चिपक जाएगा और जब हम बैग लगाएंगे बेसिकली, अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आपको हमेशा आपको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट रखना है, पर क्योंकि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली इतना देर तो मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि इतना देर वीडियो में रखेंगे तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर ऑब्वियसली हर चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से अभी एक्स्ट्रा पाउडर निकाल देंगे जो स्किन पे आजू बाजू में मैंने लगाया था। यस, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें बैग लगाने से पहले स्किन पूरी अच्छे से साफ कर लेनी है ताकि हमारा बैग अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो दोस्तों बैग चिपकेगा नहीं और इसकी वजह से आपका ठीक से बैठेगा नहीं। यस, अब उसके बाद में दोस्तों, जब भी आप इस तरीके के बैग लेते हो, ये कोलोस्टो केयर कंपनी का बैग है और ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रांड मैंने बहुत यूज किए हैं, मैंने कोलोप्लास्ट का, मैं आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि कोलोप्लास्ट का मैंने स्टार्टिंग से 17501 वाला मॉडल यूज किया था, वो ऑस्टमी एसोसिएशन में 160 रुपये का या 170 रुपये में शायद से मिलता है अभी, और वो आप ले सकते हो। और ये कोलोस्टो केयर कंपनी का जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था, उसको आप ये हैदराबाद बेस्ड ओनर की ये कंपनी है। अभी इस वक्त ये मेरे पास बैग अभी नहीं है, पर थोड़े समय के बाद में मैं भी शायद से आपको ये बैग दे सकता हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हो, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि वहाँ से कुछ लोगों ने ट्राई किया था कि उनको बैग थोड़े आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही मैं कुछ स्टॉक रखूँ और आपको मैं बीच बीच में जिसको चाहिए वो मुझसे ले सकता है। यस, तो इस हिसाब से हम दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बैग हैं, मेरे पास ये हॉलिस्टर कंपनी का बैग है, कोलोप्लास्ट का बैग है, और मैंने सारे कंपनीज के बैग यूज़ किए हैं, कॉन्वर्टेक के यूज़ किए, हॉलिस्टर के बैग के यूज़ किए हैं, और ऑलमोस्ट सब यूज़ किए हैं। और दोस्तों सब कहीं ना कहीं ठीक ठाक बैग, आपको हर बैग है ना कहीं मतलब और अच्छा ही होता है, पर आप बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को लीकेज होता है क्योंकि उनको पता नहीं दोस्तों कि कैसे हैंडल करना है, वो अच्छे अच्छे बैग भी एक एक दिन चला देते हैं, मतलब एक ही दिन चलता है उनका, तो ऐसा नहीं होता, बैग आपका अच्छा चल जाएगा। बहुत सारे लोग जो सस्ता बैग होता है उसको भी 3-4 दिन चलाते हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें बैग को चलाना है, बैग को कैसे लगाना है, कैसे उसको ग्रिप करना है, तो इसीलिए उनको आइडिया आ जाता है। अब दोस्तों अच्छा अच्छे से ग्रिप अगर हमारे बैग को लगे, उसके लिए दोस्तों हमें एक चीज करनी है कि आप अडाप्ट पेस्ट होता है ना उसको यूज करें। आप जब भी अपना बैग को कट कर लेते हो यहाँ पे आजू बाजू, मतलब अभी तो मैंने कट किया नहीं है,
पर कट कर लेते हो, उसके बाद में आप है ना ये ऊपर चारों मेर आप है ना एडाप पेस्ट लगा दे ताकि अच्छे से ग्रिप बन जाए, जब स्किन पे चिपका हो ना तो एक तरीके से सॉलिड ग्रिप बन जाए। यस, और यहाँ पे भी लगा सकते हो ताकि आपकी स्किन में लीकेज मतलब बैग लीकेज ना करे। अभी जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए सीजर। अब दोस्तों कोई भी बैग कट करने के लिए हमें नॉर्मल सीजर नहीं यूज करना है, हमें इस तरीके से जो कर्विश सीजर होता है, जी हाँ दोस्तों देख सकते हो इस पे सीजर पे कर्व है, तो वही सीजर हमें यूज करना है। तो चलो मैं अभी सीजर से कट करता हूँ अपना बैग। थोड़ा सा आप ध्यान रख के आसानी से कट कर सकते हो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका बैग वेस्ट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा प्लास्टिक गलत काट दोगे तो। यस, इस तरीके से आप होल को कट कर सकते हो अपने स्टोमा के हिसाब से। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके के स्टोमा बेल्ट आपको यूज करने हैं जिसकी मदद से आपका बैग कवर हो जाएगा और एक तरीके से सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस तरीके से स्टोमा बैग मैं ही डिजाइन करता हूँ इंडिया में और मैं ही सेल करता हूँ। अगर किसी को भी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, हर साइज का आपको स्टोमा बैग मिल जाएगा, स्टोमा बेल्ट मिल जाएगा सॉरी। और इसके बाद में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये बैग के ऊपर जो एक प्लास्टिक होती है उसको निकाल देंगे। और दोस्तों देख सकते हो, यस, अब दोस्तों ये पेस्ट देख रहे हो, ये पेस्ट हम यूज कर सकते हैं इसके आसपास और प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए ताकि इसमें लीकेज ना हो। यस, इस तरीके से देख सकते हो मैंने सिर्फ इसके बाउंड्री पर लगा दिया है ताकि कोई लीकेज ना हो। और क्योंकि आप लोगों को बैग यूज करने के बाद में आइडिया आ जाता है कि मोस्टली कहाँ पे लीकेज होता है, तो आप अपना पेस्ट ज्यादा वहीं पे लगाए। ये अलग अलग कंपनी की आती है पेस्ट, एडैप की भी आती है और जो कोलोस्टो केयर कंपनी मैंने जो जिसका रिसेंटली मैंने उसके बारे में बताया था उसकी भी आती है, और जो आपको ठीक लगे वो यूज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी पेस्ट है दोस्तों, देख सकते हो प्रॉपर इसमें मेडिकेशन वाला सब चीजें प्रॉपर्टीज सब कुछ है। और इस ये पेस्ट में सब सारे पेस्टों में एक चीज ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी आप पेस्ट लगाते हो तुरंत उसका ढक्कन बंद कर दे, नहीं तो क्या है कि वो पेस्ट सूख जाती है और उसके बाद पत्थर जैसी हो जाती है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको जैसे यूज किया तुरंत ढक्कन बंद कर दिया ताकि ये सूखे ना। अब दोस्तों क्या करना है कि कुछ लोगों को बैग इस तरीके से लगाने की आदत होती है, कुछ लोगों को इधर लगाने की आदत होती है। अब आप मोस्टली अगर आपको देखो लीकेज वगैरह ज्यादा होता है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना बैग सीधा लगाए। यस, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यार शर्ट पहनने में दिक्कत हो रही है, मेरे को ऑफिस जाना है, फॉर्मल्स करना है, वो सब करना है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसा लगा सकते हो। यस, पर मेरा जैसे एक्सपीरियंस है, मैं स्टार्टिंग में बैग इस तरीके से जरूर लगाता था पर अब मैं इस तरीके से लगाता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं अपना मेरा जो बेल्ट है मैं इसको इस तरीके से डिजाइन किया हूँ कि इससे मेरा बैग पूरा कवर हो जाता है और कहीं ना कहीं शर्ट के नीचे भी मेरे को फॉर्मल्स वगैरह पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो एक तरीके से फायदा है मेरा। पर ऑब्वियसली कुछ लोगों को हॉरिजॉन्टल बैग लगाने की आदत है तो उनके लिए हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स भी है। हॉरिजॉन्टल बैग लगाने में और वर्टिकल बैग लगाने में दोस्तों एक ही चीज है कि थोड़ा सा लीकेज आपको कम होता है, नीचे लगाने से लीकेज मेरा एक्सपीरियंस है कि कम होगा, तो इसीलिए आप इस तरीके से नीचे वाले वर्टिकल पोज में ज्यादा लगाओगे तो अच्छा रहेगा। यस, अब दोस्तों देख सकते हो यहां पे ये जो बैग का हमारा कॉर्नर है, नुक्कड़ है, इसको थोड़ा सा हमें ठीक से दबाना है ताकि कोई भी हवा बीच में ना आ जाए और हमारा लीकेज वगैरह ना क्रिएट कर दे। इस तरीके से आप
अच्छे से दबा सकते हो, क्योंकि मेरी स्टोमा फ्लैट है तो मैं इस तरीके से दबा रहा हूँ। अगर आपकी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है तो आप साइड से दबाइए इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से दबाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी हवा ऐसे रख दे, ताकि क्या है कि इसमें थोड़ी सी वो रह जाए। और इसके बाद में आप बंद कर दे इसको, इस तरीके से बंद कर दे। अब दोस्तों, ऐसी टेप होती है, माइक्रोपोर की टेप होती है, जो मार्केट में आसानी से मिलती है। मार्केट में अगर आप पैसे वाले हो, थोड़ा पैसा अफोर्ड कर सकते हो, तो सी टाइप की ब्रावा टेप भी आती है। उससे क्या होता है कि पूरा सी शेप बन जाता है हमारा, दोनों सी शेप, इधर भी आप चिपका दियो, इधर भी चिपका दियो, वरना आप इस तरीके से जो टेप होती है उसको यूज कर सकते हो। यस, अभी इसको क्या करना है, इस तरीके से निकालना है, और हमारे जो ये बैग है इस तरीके से उसके साइड में लगा देना है, और कोशिश करना है कि चारों तरफ लगा देना है। और दोस्तों, ये जो टेप होती है उससे थोड़ी बहुत स्किन काली जरूर पड़ जाती है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप एडहेसिव रिमूवर जो रहता है ना उसको यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि मैंने बहुत लेट यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से थोड़ी सी स्किन मेरी ब्लैक पड़ गई है, काली पड़ गई है। पर अगर मैं स्टार्टिंग से यूज़ करता तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होती। तो आप ये जो टेप यूज़ करते हो, इसकी जो चिपकन है वो भी निकालने के लिए आप एडहेसिव रिमूवर यूज़ कर सकते हो। चारों तरफ इसको लगा देना है, ध्यान रखिए नीचे भी लगा देना है, नहीं तो ऐसा होगा कि आप चारों तरफ लगा दोगे, नीचे नहीं लगाओगे। अच्छे से लगा दो, ताकि क्या है कि लीकेज ना हो। और कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर कुछ बैग स्टार्टिंग में खराब भी होते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं होती है। समय के साथ में हम चीज़ें पता चलता है कि किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसमें कोई वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यस, और ज़िंदगी का सफ़र लंबा है, इसीलिए घबराना नहीं है, और सच में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना है। हम एक दूसरे का अगर हाथ पकड़ कर चलेंगे तो ज़िंदगी आसानी से निकल जाएगी। परिवार वालों को भी ज़्यादा घबराना नहीं है, और आप भी कोशिश करें कि आप उनके लिए ज़्यादा तकलीफ ना बने, और कुछ चीज़ें जो आप खुद कर सकते हो वो खुद करिए। इतना कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, जैसे आप दूसरे अपने शरीर का ध्यान रखते हो, इस तरीके से आप अपना स्टोमा का भी ध्यान रख सकते हो। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ फैमिलीज में उनके एल्डर्स या जो मतलब जो खुद चेंज कर सकते हैं अपना बैग, पर फिर भी खुद नहीं करते हैं, वाइफ का हस्बैंड कर रही है, हस्बैंड का वाइफ कर रहा है, या तो मतलब कोई बड़े कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, शुरुआत में ये सब चीज़ें ठीक है, पर एक समय आएगा जब आपको खुद चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आप बचिए ज़्यादा अनवांटेड किसी से सेवा करवाने के लिए, क्योंकि वो भी हर चीज़ें अपने पे बोझ बनेगा एक टाइम पे आके। तो इसीलिए कोशिश करिए कि खुद चीज़ें करें, अपने जीवन में खुद थोड़ा सा डिपेंडेंट बने, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। लाइफ किसी की भी एक समान धारा में किसी की भी नहीं चलती है, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी ऑस्टमी लाइफ को एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताने की कोशिश करें। यस, और इस तरीके के बेल्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब ये बेल्ट कैसे पहनते हैं मैं भी वो भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको और आइडिया आ जाए, आप इसको ले सकते हो मेरे थ्रू। और दोस्तों ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बेल्ट है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। यस, इस तरीके से आप बेल्ट को पहन सकते हो, और उसके बाद में आप रफ एंड टफ हो। यस, इस तरीके से आपने चीज़ें पूरी एक तरीके से आप अभी बिंदास हो गए। अभी आप चाहो तो घर पे बैठे बैठे, मतलब एक तरीके से आप घर में बैठे हो, शर्ट खोल के बैठे हो और टीवी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो,
और आपका बैग ढका हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है। जैसे एक तरीके से आपने अपने कोलोस्टोमी बैग को या तो यूरोस्टोमी बैग या इलियोस्टोमी, सबके लिए ये लागू है, किसी के लिए आप खरीद सकते हो। और उसके बाद में आप इंजॉय करिए, आप बीचेस में जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, लाइफ हमारी अगर क्वालिटी कुछ बिगड़ी है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट्स है। अभी डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो या तो ऐसी थोड़ी सी मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ। अगर आपको क्वालिटी लाइफ जीनी है तो दोस्तों क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। यस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरीके से बेल्ट आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने आपको हर चीज़ें समझा दी है और आपको क्या चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेरे पुराने वीडियो से भी सीख सकते हो और चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपका सुझाव है, आपका कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।